हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द Brainbox ट्यूटोरियल्स। मैं हूं प्रियंका और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7 का नया चैप्टर जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये आईसीएसई बोर्ड में शायद चैप्टर 4 होगा और एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो उसमें चैप्टर 13 होगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो चलो शुरू करते हैं। नाउ एक्सपोनेंट्स होते क्या है, तो समझो मैंने तुमको एक नंबर लिख करके दिया 2 और फिर उसका कुछ पावर लगा दिया दैट इज 3। सो ये जो 2 है नीचे जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं बेस, और जो इसके ऊपर ये पावर लगा हुआ है इसी को बोला जाता है एक्सपोनेंट। यानी एक्सपोनेंट और कुछ नहीं, एक पावर ही होता है। अब इस एक्सपोनेंट को हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, इसको पावर भी बोल सकते हैं, और आगे का चैप्टर करोगे उसमें इंडेक्स या इंडिसेस इस नाम से भी इस पावर को बुलाया जाता है। नाउ इसको बोलते कैसे, या तो बोलो 2 to the power 3 या फिर लिखो 2 to the power raised to 3, पर ऑब्वियसली हमें इजी लगता है बोलना 2 to the power 3। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2 to the power 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। ओके, इसका मतलब अगर मेरे पास नंबर दिया हो -3 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स, तो मुझे अगर इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो, एक्सपोनेंट की तरह लिखना हो, तो मैं लिखूंगी -3, कितनी बार लिखा है 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, सो -3 का पावर 5। और वैसे ही ये फ्रैक्शन नंबर में भी हो सकता है, अगर मैंने 2/3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिखा इसका मतलब है 2/3 to the power 4। अंडरस्टूड? तो अब करते हैं एक्सपोनेंट के कुछ सम्स। पहला सम है सिंप्लीफिकेशन। सो सिंप्लीफाई 2 to the power 3 into -3 to the power 2। इसको बहुत सिंपली हम सॉल्व करेंगे, सिर्फ इंडिसेस को हटा करके इसको नॉर्मल फॉर्म में लेकर के आएंगे। जैसे 2 to the power 3 है तो उसे मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3 टाइम्स इंटू -3 का पावर 2 है, यानी -3 को भी 2 बार लिखना है। और अब हमें इसे सिंपल सॉल्व करना है, 2 into 2 into 2 दैट इज 8 इंटू, सी माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो माइनस साइन तो हट गया, एंड 3 into 3 होता है 9। सो ओवरऑल हमारा आंसर अब आ गया 72। और जस्ट सेकेंड नंबर जो है इसका ऑपोजिट है, यानी हमें इसे नॉर्मल 15625 दिया हुआ है, बट अभी हमें इसे चेंज करना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि इस तरीके से एक्सपोनेंट में हमें उसे ले करके आना है। तो ऐसे नंबर, इतना बड़ा नंबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले 15625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना बहुत जरूरी होता है, तो हम इसके प्राइम फैक्टर सारे निकाल लेंगे। सो सबसे 3125 आया, सो नेक्स्ट ये अगेन 5 से जाएगा, 625 है फिर से 5 से जा रहा है, सो ये पूरा 5 का ही पावर बन रहा है और कोई नंबर आया ही नहीं। सो कितना आया, पहले हम इसे नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 5 है, सो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 5, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गया, 5 to the power 6, एंड दिस इज आवर आंसर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट -1 to the power 5, और वैसे ही सेकंड क्वेश्चन दिया है -1 to the power 15। मेन पार्ट ये है कि 1 का पावर, यानी 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करना हो 1 से, आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो यहां पे लिखा है -1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, हमें इतना तो पता है आंसर 1 आएगा। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो वो ये कि -1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 आने वाला है कि फिर +1 आने वाला है, ये चेक करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, -1 होगा कि +1 होगा आंसर, इसके लिए हम देखेंगे क्या है पावर। पावर जो है वो 5 है, 5 एक ऑड नंबर है, तो हमेशा याद रखो अगर पावर ऑड नंबर होता है तो जो माइनस है वो साइन हमेशा माइनस ही रह जाता है। इसका मतलब -1 का पावर 5 जो है वो -1 ही होगा। और अब हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ही है, 5 टाइम्स ही करना है, तो हम ऐसे भी कर सकते थे, -1 into -1 2 बार हुआ, 3 times, 4 times and 5 times। नाउ सी 1 into 1 into 1 into 1 into 1, ये तो हो गया 1। अब पावर देखते हैं, सो 2 के पेयर चाहिए प्लस करने के लिए, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है,
उसके बाद में ये दो के पेयर हो गए, माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस हो गया, तो बचता है हमारे पास खाली एक माइनस। बिकॉज ऑड नंबर है तो हमको पेयर में पूरे नहीं मिलेंगे, इससे हमको पता चलता है कि आंसर माइनस में आना है, तो हमें इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे नेक्स्ट सम है माइनस वन टू द पावर 15, तो हमें पता है आंसर वन तो आना ही है, लेकिन अब पीछे माइनस होगा कि नहीं सीधा इसका एक्सपोनेंट देख लो, क्योंकि एक्सपोनेंट ऑड नंबर है तो आंसर होगा माइनस वन। अब समझ लो ये अगर क्वेश्चन होता माइनस वन टू द पावर 100, तो हम 100 टाइम्स थोड़ी ना माइनस वन को मल्टीप्लाई करते, हम क्या करते सीधा पावर को देखते, पावर इवन है मतलब माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, सो आंसर विल बी वन। और यही अगर ये होता 101, तो 101 होता तो इसका आंसर होता माइनस वन। देखते हैं एक्सपोनेंट में और किस तरीके के सम्स आते हैं। सो नाउ इस बार है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दोनों ही जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें 3 का पावर एक्स है और यहाँ पे एक नंबर दिया है -3/4 उसका पावर एक्स दिया है। अब हमें एक्स निकालना है, इसका तरीका क्या है, सी राइट साइड में एक नंबर दिया है 243, हम सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो हमने रफ में किया, इसे फेयर में दिखाने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए हम रफ में कर लेते हैं। 3 का पावर देखते हैं, ये 3 से ही जा रहा है, 81, 27, ओके सो 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स 3 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने लेफ्ट साइड को तो एज इट इज लिखा, 243 की जगह मैंने लिख दिया 3 to the power 5, ओके सो हमें यही करना था, इज इक्वल टू के लेफ्ट और राइट में जो बेस है, जैसे यहाँ 3 था तो हमें यहाँ पे भी बेस सेम करना था, ये दोनों जैसे ही बेस सेम होते हैं तो हम इन दोनों को हटा देते हैं, तो हटाएंगे तो हम इस तरीके से कैंसिल कभी नहीं करेंगे, बल्कि हम साइड में लिख सकते हैं कैंसिलिंग द बेसिस, क्योंकि बेसिस सेम है इसीलिए हम इन बेस को कैंसिल कर सकते हैं। सो कैंसिलिंग द बेसिस, 3 और 3 हट गया, तो अब क्या बचता है, उस साइड x है और इस साइड 5 है, तो हमारा आंसर मिल गया हमें x इज इक्वल टू 5। सिमिलरली यहां पे -3/4 to the power x को तो हम एज इट इज रहने देते हैं, मेन पार्ट है हमें यहां पे कोई पावर लेकर के आना है। अब माइनस तो ठीक है एज इट इज रहने दो, 243 का हम यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन, अच्छा मैंने किया भाई ये 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन से 3 का पावर 5 है, और क्योंकि माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लिखा भाई ये 3 का पावर 5 कर देते हैं, ओके ये 5 यहां बाहर होना चाहिए, पर मैं एक बार यही 5 रख देती हूँ। 1024 देखते हैं, नाउ 1024 2 से जा रहा है, पर हम इसे 2 से नहीं करते हैं, बिकॉज यहां हमें हिंट मिल गया 4, तो हम इसको 4 से ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो सबसे पहले 4 से किया, 256, फिर से 4 से ही करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 4 का भी पावर 5 ही आ रहा है। अब बिकॉज दोनों का पावर 5 ही है तो हम इसे यहां से हटा के और बाहर लिख सकते हैं, बिकॉज 3 का भी पावर 5 है और 4 का भी पावर 5 है। नाउ सी लेफ्ट साइड और राइट साइड के बेस बिल्कुल सेम हो गए हैं, तो अगेन वी विल राइट कैंसलिंग द बेसिस, और बेस जैसे ही कैंसिल होते हैं क्या बचता है, लेफ्ट साइड में x और राइट साइड में 5, एंड दिस इज आवर आंसर। सो आज हमने कंप्लीट कर दिया फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एक्सपोनेंट्स। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी बहुत छोटा सा ही है, जल्दी ही खत्म हो जाएगा, तब तक तुम इस पार्ट की प्रैक्टिस करते रहना, कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ या जिन्हें भी इसकी जरूरत है उन सब के साथ शेयर करो, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस करो, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तब तक के लिए से यस टू मैथ्स, बाय बाय, जय हिंद।